देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। कोतवाली बेहट के एक गांव चांडी में सांपों का एक जोड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। शिव मंदिर के पास सांप का यह जोड़ा रास्ते पर शिव मंदिर के आसपास खेलता नजर आ रहा है, जो बच्चों के लिए तमाशे जैसा बना हुआ है। लेकिन कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों का कहना है कि सांपों का यह जोड़ा पिछले 2-3 साल से शिव मंदिर के आसपास ही घूमता रहता है और अब इनके लगन का समय है, इसलिए इन्हें कोई कुछ ना कहे, ये जहाँ खेलना चाहते हैं वहाँ खेल सकते हैं। कुछ लोगों के बीच भय का माहौल भी पनप रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे तमाशा ही समझ रहे हैं। पिछले 2 दिनों में 3 बार ऐसा हुआ है कि सांप एक दूसरे से लिपटते हुए नाचते हुए अपनी मस्ती में झूमते रहते हैं और फिर वापस अपने बिल में जाकर छुप जाते हैं। सांपों का यह जोड़ा पब्लिक से बिल्कुल भी भय नहीं खाता है। इसकी ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना भी दी, लेकिन वन विभाग का कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्राइम स्टोरी के लिए बेहट से जावेद खान की रिपोर्ट। शिव मंदिर है, यहाँ मंदिर के बराबर में दो सांप का जोड़ा आ रहा और दोनों वो नाच भी रहे, लोग देखते पास की देख रहे, देखते फिर वो लुक भी जाओ फिर निकल जाओ बाहर, ऐसा है। दो दूर भी बुला रहे हम। हमारे यहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर के बराबर में ही सांप का जोड़ा निकल रहा, क्या दुनिया देखने के लिए दूर दूर से भी आ रही है और गांव के भी हैं बहुत ही आस पड़ोस के सभी लोग देखने के लिए इन्हें आ भी रहे हैं, दूध भी पिला रहा कोई, अंदर चले जाते हैं फिर एक तो द्वारा है जैसे गोय गाय से रखते हैं उपले उनके अंदर घुस जाते हैं फिर निकल जाते हैं। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।